पोर्टल के माध्यम से हम खेल खेल में विद्यार्थियों को खेल के बीमे सुविधा जैसे जो घटक गुणाबाद कराया जाता है। प्राय यह देखा जाता है कि अध्यापक कक्षा कक्ष में शाम पक्ष पर या अन्य पर इसका अभ्यास कराता है, लेकिन विद्यार्थियों को इससे निराशा उत्पन्न होती है। इस विधि द्वारा विद्यार्थियों में जिज्ञासा उत्पन्न होगी, उनका मन कुछ नया सीखने को बोलता है। यह विधि सभी छात्रों के लिए लाभदायक है। इस विधि के उद्देश्य सर इसमें बच्चा बच्चे को इसमें जिज्ञासा उत्पन्न होगी, उसको कुछ नया सीखने को मिलता है। बच्चा खेल खेल में सब कुछ सीख जाता है और बच्चों में कॉम्पिटिशन की भावना पैदा होगी। वह बच्चों में कॉम्पिटिशन की भावना पैदा होगी इस खेल के लिए। इसमें सर कुल 12 गीटियाँ हैं, जीती में 11 संख्या, प्रत्येक गीटी चल सकती है एक कदम। हम इसका चल सकती है ऐसे ऐसे और इस ऊपर अंत में एक और सर जो अंत में हम अपने देखते हैं उनको हमारा जो परिणाम होगा वो घोषित करेंगे उसको और आप एक बार ट्राई करें। आप दोनों करो ट्राई। कैंसिल कर दें साथ में, लंबा हो जाएगा नहीं तो। मान सर इसने यहाँ पे चला, मैं यहाँ पे स्टेप लेके यहाँ पे आऊंगा, इसकी गिनती कट गई और मेरे पॉइंट हो गए 10। कैसे हो गए बताना एक बार। ये सर मान लो यहाँ पे प्लस का निशान था, हम यहाँ पे स्टेप लेके यहाँ पे हैं, प्लस है यहाँ पे, तो 9+1 10 है और हमारे जो पॉइंट भी आ गए और इसकी गिनती भी कट गई सर। ठीक है, एक और एग्जाम्पल दें। ठीक है, इसको स्टेप करके प्लस करेंगे, इसको 10 प्लस करेंगे। प्लस क्यों करेंगे? ठीक है ठीक है, प्लस करनी चाहिए। अगर हम अगर सर हमको गुणा सीखेंगे तो हम ऐसे स्टेप करके यहाँ पे जाएंगे, हमारे पॉइंट आ जाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप इसे गेम के साथ जोड़ घटा गुना और भाग चारों ही मैथमेटिक्स इस तरह से आप इसको एंट्री करेंगे। कैसे इसमें गुणा भी हो गया, भाग भी हो गया, पूरा फिर माइनस ऐसे ऐसे करके तो ये हो जाएगा। और भाग में जैसे 7 और 3 आ गया तो उसकी भाग कैसे करेंगे? 7/3 उसके लिए पॉइंटों में लिखेंगे, पॉइंटों में आ जाएंगे उसके लिए। ठीक है, कौन से स्कूल से हो आप? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीवन। क्या नाम है आपका? प्रदीप। आपका? ठीक है, बहुत बढ़िया।